हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केएस कंप्यूटर। पिछले वीडियो में हमने सीएसएस की हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम सीएसएस की आउटलाइन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज किसी एलिमेंट पर आउटलाइन लगाने के लिए किया जाता है। आउटलाइन बॉर्डर के बाहर की तरफ आती है। आउटलाइन एक ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी है। इसमें कई तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ और आउटलाइन ऑफसेट। इन ऊपर की तीन प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम अपने बॉर्डर वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम ठीक उसी तरीके से आउटलाइन में यूज कर सकते हैं जैसे हमने बॉर्डर में यूज किया था। बॉर्डर वाले वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आउटलाइन स्टाइल में हम कई तरीके की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, जैसे डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल एटसेट्रा। आउटलाइन की विड्थ को हम पिक्सल, सेंटीमीटर या किसी अन्य यूनिट में सेट कर सकते हैं, या इसके लिए हम कोई भी प्रीडिफाइन वैल्यू जैसे थिन, मीडियम या थिक, इनको भी यूज कर सकते हैं। आउटलाइन के कलर को हम कलर के नेम से भी सेट कर सकते हैं, या कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, या फिर हम इसमें RGB या HSL कलर भी यूज कर सकते हैं। आउटलाइन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज करके हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक ही बार में एक साथ लिख सकते हैं। आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी का यूज बॉर्डर और आउटलाइन के बीच स्पेस देने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में प्रैक्टिकली देखते हैं और ये भी देखेंगे कि बॉर्डर और आउटलाइन के बीच क्या क्या अंतर होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने अपने VS कोड के अंदर एक फाइल ओपन कर रखी है। यहाँ पर मैंने बॉडी टैग के अंदर एक div लिया हुआ है और उसके अंदर एक और div लिया हुआ है जिस पर मैंने बॉक्स क्लास लगाई हुई है और इसके अंदर कुछ कंटेंट डाला हुआ है और इसके साथ मैंने एक style.css फाइल को लिंक करवाया हुआ है। ये style.css यहाँ पर है, इसमें मैंने ये वाली प्रॉपर्टीज लगाई हुई हैं। इसका इस तरीके से ये रिजल्ट आ रहा है। अब हम इसमें आउटलाइन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा outline-style। स्टाइल हम दे देते हैं सॉलिड और फिर लगाते हैं outline-width। आउटलाइन विड्थ दे देते हैं हम 5 pixels और फिर outline-color। कलर हम दे देते हैं रेड। अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर के बाहर एक आउटलाइन आ गई है रेड कलर की। इस आउटलाइन को हम और भी कोई स्टाइल दे सकते हैं, जैसे डबल। मैंने यहाँ डबल दे दिया, इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए ये आउटलाइन डबल हो चुकी है। अब हम आउटलाइन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज करके आउटलाइन सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटलाइन, जैसे आउटलाइन की विड्थ हम देना चाहते हैं 10 pixels तो यहाँ पर लिखेंगे 10 pixels और स्टाइल देना चाहते हैं सॉलिड और कलर दे देते हैं ग्रीन। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए 10 pixels की सॉलिड ग्रीन आउटलाइन इसमें सेट हो चुकी है। अब हम इसमें आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे outline-offset और यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 pixels और इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए आउटलाइन और बॉर्डर के बीच 5 pixels का स्पेस आ गया है। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 15, इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर स्पेस और बढ़ चुका है। अब हम देखते हैं कि आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में क्या क्या अंतर होता है। जो बॉर्डर होता है वो एलिमेंट का ही पार्ट होता है, यानी कि जब हम बॉर्डर की विड्थ को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो एलिमेंट के साइज पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आउटलाइन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम आउटलाइन को हटा देते हैं और इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया। अब हम यहाँ पर बॉर्डर को कर देते हैं 35 pixels और इसको मैंने सेव किया। यहाँ पर जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस बॉक्स का साइज कुछ बढ़ जाएगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, यह देखिए इसका साइज कुछ बढ़ गया है। और अगर हम इसको दोबारा से 5 pixels करेंगे, इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए दोबारा से इसका साइज कम पड़ चुका है। अब हम यहाँ पर आउटलाइन लगाते हैं, आउटलाइन लगाते हैं हम यहाँ पर 50 pixels सॉलिड ग्रीन। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसमें आउटलाइन लग चुकी है, लेकिन इसके एलिमेंट के साइज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आउटलाइन को यूज करने का फायदा ये होता है, अगर हम आउटलाइन की विड्थ को कम या ज्यादा करते हैं तो उससे हमारे लेआउट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बॉर्डर के कॉर्नर्स को राउंड भी कर दें तो हमारी आउटलाइन इसी तरीके से रहेगी। चलिए अब हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाते हैं, border-radius और यहाँ पर हम कर देते हैं 30% और इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया,
यहाँ पर देखिए बॉर्डर के कॉर्नर्स हमारे राउंड हो चुके हैं, लेकिन हमारी आउटलाइन उसी तरीके से आ रही है। तो इस तरीके से हम आउटलाइन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।